So good morning students, once again today we will try to know about the plasma component. Okay, तो जैसे कि हमने कल देखा था कि प्लाज्मा में बहुत सारी चीज़ें होती, तो मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में. किसके बारे में? प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में. ठीक है, वैसे आपने एक बात सुनी है कि प्लाज्मा कंपोनेंट जो होते हैं उसमें 90% क्या होता है? वाटर होता है. ठीक है, 1% क्या होता है? इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है, और 7 से 8% प्रोटीन होते हैं. उन्हीं प्रोटीन के बारे में मैं आज जानने जा रहा हूँ. ठीक है ना, तो प्लाज्मा प्रोटीन्स जो होते हैं उसमें सबसे पहले प्रोटीन की मैं बात करता हूँ. नंबर वन पे है एल्बुमिन. सबसे पहले कौन आएगा? एल्बुमिन. ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखना आपने एल्बुमिन के बारे में, कि दैट इट इज अ ग्लोबुलर प्रोटीन. कैसा प्रोटीन है ये? ग्लोबुलर प्रोटीन. ओके, और इसका ब्लड में काम क्या है? इट मेंटेन्स ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड. ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करना किसका काम है? एल्बुमिन का काम है. ठीक है, इसके अलावा ये दूसरा काम नहीं करता. ठीक है, सो एल्बुमिन फाउंड इन अबंडेंट क्वांटिटी एंड सिंथेसाइज बाई, कौन सिंथेसाइज किया इसको? लीवर. कौन सिंथेसाइज करता है? लीवर सिंथेसाइज करता है. दूजा कौन है? दूसरा प्रोटीन कौन है? दूसरा जो प्रोटीन है दूसरे का नाम है ग्लोबुलिन. ओके, तो ग्लोबुलिन का काम क्या होता है? इसका फंक्शन जो है वो कैसा है? प्रोटेक्टिव फंक्शन. क्या है इसका फंक्शन? प्रोटेक्टिव फंक्शन. तो ग्लोबुलिन बोले तो किस बारे में बात की जा रही है? दे आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट गामा ग्लोबुलिन, या फिर इसी को अपन क्या कहेंगे? इम्यूनो ग्लोबुलिन. क्या कहेंगे इसको अपन? इम्यूनो ग्लोबुलिन. ओके, ये एक प्रकार की क्या है? ये एक प्रकार का क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन है. और इसी को अपन और क्या नाम जानते हैं? इसका नाम एंटीबॉडी भी बोलते हैं. तो जो एंटीबॉडी जो होती है वो एज अ ग्लोबुलिन आपके ब्लड में पाई जाती है. कौन सी टाइप की एंटीबॉडी है ये? ये IgM टाइप की एंटीबॉडी. किस टाइप की है? IgM टाइप की एंटीबॉडी है. मैं थोड़ा सा एंटीबॉडी का आपको स्ट्रक्चर निकाल के देता हूँ, शायद आपने देखा भी होगा ऐसा स्ट्रक्चर है. तो ये हो गई एंटीबॉडी की लाइट चेन. ओके, ये हो गई उसकी हेवी चेन. ओके, इसके बीच में से डाइसल्फाइड. तो इस प्रकार से एक एंटीबॉडी पाई जाती है जिसको अपन कहते हैं IgM, इम्यूनोग्लोबुलिन M. उसी को अपन क्या कहते हैं? ग्लोबुलिन कहते हैं. क्या कहते हैं इसको? ग्लोबुलिन कहते हैं. और जो तीसरा मेन प्रोटीन जो आता है, द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट मेन प्रोटीन इज फिब्रिनोजेन. ओके, द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन इज व्हाट? फिब्रिनोजेन. थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन इज अ फिब्रिनोजेन. तो प्रोटीन प्रोड्यूस बाय कहाँ पे बनता है? ये लीवर में बनता है. और इसका काम क्या है? इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग. ठीक है,
बट इसके अलावा भी ब्लड में बहुत सारे प्रोटीन पाए जाते हैं एल्बुमिन ग्लोबुलिन फिब्रिनोजेन के अलावा, लेकिन क्योंकि उसका जिक्र दिया नहीं है स्टेट बोर्ड में तो हम इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हो गए तीन प्रकार के आपके प्रोटीन, ठीक है। अभी मैं इसको मिटा देता हूँ और अपन थोड़ा सा हम प्लाज्मा कंपोनेंट में भी देखने जा रहे हैं। क्या देखेंगे हम अब इसके बाद, हम देखेंगे कि हमने सुना है कि ब्लड में ये भी होता है, क्या बोल सकते हैं इसको अपन, फूड पार्टिकल्स भी होते हैं ना, फूड भी होता है ब्लड में। सबसे पहले फूड मतलब क्या, फूड मतलब खाना होता है क्या उसमें? नहीं, उसमें क्या होता है, उसमें होता है ग्लूकोज। हमारे ब्लड में ग्लूकोज होता है और ग्लूकोज क्या एक प्रकार का एनर्जी सोर्स है। ग्लूकोज क्या एक प्रकार का एनर्जी सोर्स, सेल्स जो होते हैं वो ग्लूकोज को एक्वायर करने के बाद क्या रिलीज करते हैं, एटीपी। तो ग्लूकोज एनर्जी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ग्लूकोज जो होता है हमारे ब्लड में वो होता है 80 to 110 मिलीग्राम पर डीएल, मतलब हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा होती है 80 से लेके 110 मिलीग्राम। बट इसके अलावा आपके ब्लड में अमीनो एसिड्स भी होते हैं। क्या होते हैं अमीनो एसिड्स? नाउ व्हाट वी मीन बाय अमीनो एसिड, क्या दोगे आप डिफिनेशन अमीनो एसिड्स की, बता सकते हो आप? देखो दूसरा कंपोनेंट जो रहता है वो कौन रहते हैं, अब अमीनो एसिड कहाँ पे चाहिए, किसको चाहिए, सेल को चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि वो क्या बनाने वाले हैं, प्रोटीन बनाने वाले, इसीलिए अमीनो एसिड की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे कितने टाइप के अमीनो एसिड हैं, 20 टाइप्स, कितने हैं 20 टाइप्स के अमीनो एसिड है, ठीक है, समझ में आया, 20 टाइप्स के अमीनो एसिड हैं। तो अमीनो एसिड बाद में लीवर में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं और लीवर फिर उन अमीनो एसिड को जोड़ के क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है, ठीक है। तो अमीनो एसिड की ज़रूरत सेल में होती है। इसके अलावा फैटी एसिड भी चाहिए। फैटी एसिड क्या होते हैं, है ना, वो इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर होता है फैटी एसिड का, ठीक है। फैटी एसिड भी आगे जाके कहाँ पे जाते हैं, लीवर में जाते हैं और लीवर में जाने के बाद इन फैटी एसिड को जोड़ा जाता है किसके साथ, ग्लिसरॉल के साथ। फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ जुड़ने के बाद क्या बनता है, ट्राइग्लिसराइड्स, क्या कहते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स बनता है, ठीक है। इसके अलावा आपके ब्लड में एक बफर होता है, मतलब प्लाज्मा में एक बफर होता है ना, तो उस बफर को अपन क्या कहते हैं, बाइकार्बोनेट बफर, जिसका काम है आपके बॉडी का पीएच मेंटेन करे 7.3 to 7.4, ओके। इसके बाद ये हो गए फैटी एसिड, अमीनो एसिड और ब्लड ग्लूकोज, एंड देयर आफ्टर वी ऑल्सो हैव हेपेरिन इन अ ब्लड। ब्लड में क्या होता है हेपेरिन, जो एज अ एंटीकोगुलेंट होता है। अब मुझे बताओ आप हेपेरिन रिलीज कौन करता है, इट इज रिलीज बाय एक सेल होते हैं जिसका नाम होता है बेसोफिल्स, ओके, जो हेपेरिन को रिलीज करवाते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा भी और एक चीज़ है जो हमें समझ लेनी है कि ये तो कंपोनेंट हो गए ब्लड ग्लूकोज अमीनो एसिड फैटी एसिड, है ना। इसके अलावा कोलेस्टेरॉल भी होता है हमने सुना है, ठीक है। तो हमारे ब्लड में ब्लड कोलेस्टेरॉल जो होता है वो तीन प्रकार का पाया जाता है। एक को कहते हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, दूसरे को कहते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन,
और एक तीसरा आता है वेरी लो डेंसिटी लिपो प्रोटीन। अभी इसमें ये दोनों है ना हमारे ब्लड में कम रहते हैं और ये इसमें हमारे ब्लड में ज़्यादा रहते हैं। ये अच्छा वाला है, ये हमको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसकी। तो ब्लड कोलेस्टेरॉल भी पाया जाता है। वैसे कोलेस्टेरॉल आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी पाया जाता है, ये भी आप याद रखें, ठीक है। कोलेस्टेरॉल ऑल्सो फाउंड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और फिर बचे कौन आपके ऑक्सीजन और CO2, ये डिजॉल्व्ड गैसेस पाई जाती है, ठीक है। तो ये हो गए प्लाज्मा के कंपोनेंट, ओके सिंपल है, डिजॉल्व आर द प्लाज्मा कंपोनेंट। अब सबसे इसके बाद जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ आती है दैट्स अबाउट कि जो आपका प्लाज्मा होता है उसमें हॉर्मोन्स भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? हॉर्मोन्स भी पाए जाते हैं और एंजाइम्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम द प्लाज्मा। अब जब हम इसको छोड़ के इनऑर्गेनिक सॉल्ट के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में? इनऑर्गेनिक सॉल्ट के बारे में जब हम बात करते हैं तो इन लोगों की जिम्मेदारी क्या होती है? देखो हमारे ब्लड में 0.9% NaCl पाया जाता है। प्लाज्मा में क्या होता है? 0.9% NaCl। इस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? सलाइन। 0.9% NaCl का मतलब होता है 0.9 ग्राम सॉल्ट 100 ml पानी में, मतलब हो गया NaCl सलाइन, ओके। यही सलाइन आपको जब भी कभी डिहाइड्रेशन होता है आपको सलाइन दी जाती है, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक सॉल्ट में NaCl मतलब जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है ये एक सलाइन करके होता है जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है हमारे प्लाज्मा का। क्या है? एक प्रकार का आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ओके। इसके अलावा हमारे पास कैल्शियम होता है ब्लड में, ठीक है। ब्लड में क्या होता है? कैल्शियम। कैल्शियम होना बहुत ज़रूरी है ब्लड में, क्योंकि कैल्शियम एक्चुअली ब्लड क्लॉटिंग के लिए इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कुछ हद तक ये भी है, जिंक होता है, पोटेशियम होता है, ठीक है। पोटेशियम ग्रेडियंट मेंटेन करता है प्लाज्मा और सेल के बीच में। सोडियम का भी काम है ग्रेडियंट मेंटेन करना, बट सोडियम का और एक काम है ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना। ब्लड प्रेशर को सही बनाने रखना भी सोडियम का ही काम होता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्लोराइड आयन भी चाहिए ब्लड में, क्योंकि प्लाज्मा में क्लोराइड आयन होंगे तो यही क्लोराइड आयन आगे जाके आपके पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो बनाने के काम में आएगा। तो क्लोराइड का भी कमी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गए आपके इनऑर्गेनिक सॉल्ट। और इसके अलावा दूसरी बात की जाए तो फिर आपके ब्लड में वेस्ट भी होता है, वी ऑल्सो हैव अ वेस्ट प्रोडक्ट, ओके। क्या होता है? वेस्ट प्रोडक्ट, ओके। अब वेस्ट प्रोडक्ट में सबसे पहले क्योंकि हम यूरियोटेलिक एनिमल्स है तो हमारे ब्लड में क्या होता है? यूरिया होता है। क्या होता है हमारे ब्लड में? प्लाज्मा में यूरिया होता है। कुछ हद तक हमारे पास यूरिक एसिड होना चाहिए, या मतलब यूरिक एसिड होता है। और जब हम मसल वर्कआउट करते हैं तो क्रिएटिनिन जो निकलता है वो भी आपके ब्लड में पाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट, और बाकी के तो फिर हॉर्मोन्स है और एंजाइम्स है जो आपके ब्लड में पाए जाते हैं, ठीक है, सिंपल है। और ब्लड का 90% क्या होता है? इसमें वाटर होता है। आई होप आपको समझा होगा क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो आप इसको एक बार पढ़ लो, ठीक है। थैंक यू सो मच। Yeah, I know.
Because it beat my school at home. रेकॉर्ड होऊन राहिला लॅपटॉप मध्ये इकडे. NaCl सलाइन. ओके, यही सलाइन आपको जब भी कभी डिहाइड्रेशन होता है आपको सलाइन दी जाती है. ठीक है, तो इनऑर्गेनिक सॉल्ट में NaCl मतलब जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, ये एक सलाइन करके होता है जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है हमारे प्लाज्मा का. क्या है, एक प्रकार का आइसोटोनिक सॉल्यूशन. ओके, इसके अलावा हमारे पास यूरिक एसिड होना चाहिए, या बोले यूरिक एसिड होता है. और जब हम मसल वर्कआउट